शारदीय नवरात्र के आगमन पर अंचल में उत्साह छाया हुआ है। लोग श्रद्धा और उल्लास के साथ मां दुर्गा की आराधना कर रहे हैं। शक्ति की अधिष्ठात्री मां दुर्गा के 9 रूपों की घट स्थापना कर पूजा अर्चना की जा रही है। घरों के साथ सीकर शहर में 2 दर्जन से अधिक स्थानों पर सार्वजनिक दुर्गा पूजा महोत्सव के आयोजन भी शुरू हो चुके हैं। सीकर के सुभाष चौक, शीतला चौक, डोलियों का बस, माधोगंज, रामलीला मैदान, मोचीवाड़ा, हरिजन बस्ती, अंबेडकर नगर, आनंद नगर, कृषि मंडी के पीछे सहित अन्य स्थानों पर सार्वजनिक दुर्गा पूजा महोत्सव के लिए पांडालों में विधि विधान के साथ मां दुर्गा की प्रतिमाएं संतों और पंडितों के सानिध्य में स्थापित की गई। कई स्थानों पर सार्वजनिक दुर्गा पूजा महोत्सव में प्रतिमाएं स्थापित करने के दौरान जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। शीतला चौक में लोहारगल पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य जी महाराज के सानिध्य में दुर्गा प्रतिमा स्थापित की गई। वहीं डोलियों का बास में दुर्गा पूजा आयोजन कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाएं कलश लेकर पांडाल पहुंची, जिसके बाद मंत्रोच्चारण के बीच दुर्गा प्रतिमा की स्थापना की गई। इस दौरान रमेश जलधारी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। वहीं माधोगंज दुर्गा पूजा में पूर्व विधायक रतनलाल जलधारी ने शिरकत की। यहां पर विद्वान पंडितों की ओर से शुभ मुहूर्त में दुर्गा पूजा शुरू हुई। प्रथम दिन महाआरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इसके साथ ही सुभाष चौक में कलश यात्रा के साथ दुर्गा पूजा का आयोजन शुरू हुआ। इस दौरान लोहारगल पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य जी महाराज, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष महेश शर्मा, समाज सेवी पन्नालाल सारडा, संयोजक राधेश्याम पारिक सहित बड़ी संख्या में गणमान्य जन आरती में शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक दुर्गा पूजा पांडालों में प्रतिदिन शाम को महाआरती, दुर्गा सप्तशती पाठ, भागवत, शिशु पुराण की कथाएं, सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रमों के बीच भक्ति की धूम रहेगी। 9 दिनों तक चलने वाली दुर्गा पूजा में गुरुवार को देवी शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई, शुक्रवार को ब्रह्माचारिणी, शनिवार को देवी चंद्रघंटा, रविवार को देवी कुष्मांडा, सोमवार को देवी स्कंद माता, मंगलवार को देवी कात्यायनी, बुधवार को देवी कालरात्रि, गुरुवार को देवी महागौरी और शुक्रवार को 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना के साथ नवरात्र सम्पन्न होंगे। जय माता।